जोहार 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 जय झारखंड जय झारखंड। आप सभी को जोहार है। अपनी बातें रखने से पहले आज मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं जो उन्होंने जेल से भेजा है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं, क्योंकि यह सारा संदेश आप सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है। तो कृपया करके इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। साथियों, आज का ये झारखंड उल गुलार महारैली से झारखंडी भाइयों की के नाम ने से कई बातों का पता चल रहा होगा। जी हाँ साथियों, उलगुलान का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार, लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। मेरे साथ आप लोग जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, झारखंड देश का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ के लोग गरीब हैं, पर झारखंड गरीब नहीं है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों से पूरा देश चलता है। इसके बदले में हमें क्या मिलता है? पलायन, विस्थापन, भुखमरी, बीमारी। हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं कहने को वर्तमान केंद्र सरकार के कर्तृत्वों के बारे में। अगर बातें शुरू की जाए तो रात और दिन कम पड़ जाएगा। केंद्र सरकार की सोच आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी रहा है और इनके 10 साल के कार्यकाल में सबसे अधिक और बड़े ही निर्मम तरीके से आदिवासी समुदायों को और उनके अनुसूचित क्षेत्रों पर इनकी बुरी नजर है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, विगत कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, वहाँ के आदिवासी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, पूरा देश देख रहा है, पर केंद्र सरकार चुप है। आज तक केंद्र सरकार ने कोई सूद नहीं ली है। ये है इनका आदिवासी प्रेम। लद्दाख को छठी अनुसूची में डालने का वादा कर वर्षों तक ठगा गया और अंत में छठी अनुसूची घोषित करने से मुकर गए। आज वहाँ के भयानक ठंड में भी लोग शून्य की डिग्री में भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये है इनका आदिवासी प्रेम। साथियों, देश में सभी शेड्यूल एरिया पर इनकी गिद्ध नजर है। झारखंड में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानून लागू हैं, जैसे सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसन एक्ट इत्यादि। अगर एनडीए सरकार 2024 की चुनाव जीतती है तो राज्य और देश के आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत पर झारखंड को बचाना है।